नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है राजस्थान सामान्य ज्ञान। मैं हूं प्रहलाद सारण और हमारा कोर्स है 5000 से भी ज्यादा वन लाइन क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, डेली करंट अफेयर और डेली मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आप रेटिंग दीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की प्रमुख कला एवं संस्कृतियां जो इकाइयां हैं उनके बारे में। तो असल में राजस्थान की भाषा और साहित्य से रिलेटेड एक दो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप ध्यान रखिए। देखिए, राजस्थान की जो भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अपभ्रंश भाषा के रूप में नागर अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति का जो वर्ष माना गया है वो 1000 में माना गया है। ओके, आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 1850 ईस्वी से माना गया है और इन सब का जो उल्लेख किया था वो किया था श्री सुनीत कुमार चटर्जी ने। इसके अलावा सबसे राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था वो 1907 में और 1908 में सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने अपनी आधुनिक भारतीय भाषा विषय कोर्स लिखा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें किया था। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास का जो वर्णन किया था वो किया था एक विद्वान थे इटली के LP टेसिटोरी, तो उन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी नामक एक पत्रिका में राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति का उल्लेख किया था। ओके, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट जो संस्थाएं हैं जो कला संस्कृतियां से रिलेटेड। सबसे पहले राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है, वो बीकानेर में है। इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, 25 जनवरी 1983 को की गई थी। ओके गाइज, इसका प्रमुख कार्य होता है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के विकास में, ठीक है। दूसरा, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर, इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, 19 फरवरी 1986 को। नेक्स्ट है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में 15 जुलाई 1969 में। और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ओके गाइज, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए सबसे पहले तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। दूसरा इस तरह से आएगा कि राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर की स्थापना कब की गई, तो 1979। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, तो आपको ए ऐसे रहेगा, बी ऐसे रहेगा, सी ऐसे रहेगा, तो कौन सी की जगह का नाम या फिर जो सन है वो गलत रहेगा, ठीक है। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप सभी याद रखिए। अरबी फारसी सौ संस्थान जो है वो टोंक में है, स्थापना हुई थी दिसंबर 1978। राजस्थान सिंधी अकादमी जो है जयपुर में है, स्थापना इसकी हुई थी 1979 में। विश्व भवन संस्थान जो है ये उदयपुर में है और स्थापना हुई थी 1931 में। और राजस्थान साहित्य अकादमी है ये उदयपुर में है, 23 जनवरी 1958 को। राजस्थान अभिलेखागार जो है ये कहाँ पे है, बीकानेर में है। रूपायण संस्थान है बोरुंदा में है, और बोरुंदा कहाँ है, जोधपुर में है। स्थापना 1960 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रूपायण संस्थान कहाँ पे है, बोरुंदा में, और बोरुंदा कहाँ है, जोधपुर में, और कब हुई थी स्थापना, 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि रविंद्र रंगमंच है वो कहाँ पे, जयपुर में, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1963 को। जयपुर कथक केंद्र है ये जयपुर में, स्थापना 1978 को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है ये जोधपुर में स्थित है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है, जयपुर में है। स्थापना हुई थी 1866 में। आपको ये क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है कमेंट में कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जो जयपुर में है 1866 में जिसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी, ये कॉमेंट में आप बताएंगे। राजस्थान ललित कला अकादमी है ये जयपुर में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है ये कहाँ पे है, जोधपुर में है, और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 1950 ईस्वी के दौरान। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जो घटनाएं हैं उनके बारे में। यहाँ सभी घटनाओं की डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, एक अलग से एक नया लेसन बनाएंगे जिसमें जितने भी इंपोर्टेंट डेट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। 5000 ईसा पूर्व है वह कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर आप अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा समझ लीजिए, एक से लेके अभी हाल ही में जो 2018 चल रहा है ये ईस्वी है, ठीक है। तो जब एक से 2018 तक का जो ईस्वी है तो इस एक से पहले का जो समय होता है, ईसा के जन्म से पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व के नाम से जानता है, ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व जो है वो हमेशा आपका उल्टा चलता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके पूरे क्षेत्र की तो इसको ऐसे बोला जाता है 5000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक। अभी हाल में कोई घटना होती है तो हम क्या बोलते हैं, 2002 से 2007 तक, लेकिन ईसा पूर्व वाला जो है उल्टा चलता है, जैसे 2018 से 2012 ईसा पूर्व ऐसे, ठीक है। यहाँ 2018 ईसा पूर्व नहीं है।
चलिए नेक्स्ट है 3500 ईसा पूर्व वो आर्य सभ्यता है, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये देखिए ये कब हुआ था, आर्य सभ्यता है, 1000 से 600 ईसा पूर्व में, 300 से 600 ईसा पूर्व ये जनपद युग है, ये मिस प्रिंटिंग है, 600 से 300 ईसा पूर्व होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। नेक्स्ट है कि 300 350 से 600 ईसा पूर्व जो है ये गुप्त वंश है, और 551 ईस्वी में है वो है सातलदेव चौहान द्वारा सांबर में यानी पादक्स में चौहान वंश की स्थापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, या चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की, किसने की थी, वासुदेव चौहान ने की थी, और कब की थी, 551 ईस्वी में, कहाँ पे, सांबर में। और नेक्स्ट है 728 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना, 967 ईस्वी में कछुआ वंशी दोला राय द्वारा अजमेर राज्य की स्थापना, ओके अजमेर राज्य की स्थापना किसने की थी, दोला राय के द्वारा की गई थी, कौन से वंश से संबंधित थे, कछुआ वंश से संबंधित थे, और कब की गई थी, 967 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट है 1018 ईस्वी महमूद गजनी द्वारा प्रतियार राज्य पर चढ़ाई एवं विजय प्राप्त करना, 1031 में दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण है वो विमल शाह के द्वारा करवाया गया था, तो दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विमल शाह ने करवाया था, कब करवाया था, 1031 ईस्वी में। और 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा अजमेर, सॉरी अजमेर है यानी अजय मेरू की स्थापना, 1137 ईस्वी में कछुआ वंश के दुला राय जो थे उन्होंने ढूंढार राज्य की स्थापना की थी, ढूंढार थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, ढूंढार राज्य ही है, की स्थापना दुले राय के द्वारा की गई थी 1137 ईस्वी के दौरान। 1156 ईस्वी में राव जसल सिंह द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी, जैसलमेर की स्थापना किसने की थी, राव जैसल सिंह ने। और 1191 ईस्वी में तराइन का द्वितीय और प्रथम युद्ध हुए थे, पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज है वो विजय हुआ था, ठीक है। और 1192 में तराइन, ये मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा, रियली वेरी वेरी सॉरी, ये तराइन का प्रथम युद्ध है और ये तराइन का द्वितीय युद्ध है, ओके गाइस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, रियली वेरी वेरी सॉरी, मिस प्रिंटिंग हो गया है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज विजय हुआ था और दूसरे में मोहम्मद गोरी है वो विजय हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दीजिए, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध है, ये तृतीय नहीं है। और 1195 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा बयाना पर आक्रमण किया गया था, ओके गाइस। नेक्स्ट है 1213 ईस्वी में चेदर सिंह मेवाड़ में गद्दीसीन हुआ था, और 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा नेमीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, 1234 ईस्वी में राव चेतर सिंह द्वारा इल्तुतमिश पर विजय प्राप्त की थी, और 1237 ईस्वी में राव चेतर सिंह द्वारा सुल्तान बलबन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है 1242 ईस्वी में राजा हाड़ा देशराज द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी, 1291 ईस्वी में हमीर द्वारा जलालुद्दीन का भारत आक्रमण विफल करना, 1301 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल करना, षड्यंत्र द्वारा पराजित और रणथंभौर के किले पर 11 जुलाई को तुर्की अधिकार स्थापित, 1302 ईस्वी में रतन सिंह गुहिलों के सियासन पर बैठा। नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों परास्त हुआ, चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार, चित्तौड़ का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया था, खिजराबाद, ओके। तो यहाँ इंपोर्टेंट देखिए, एक क्वेश्चन को आप इस तरह से आज कीजिए, एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात की चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, खिजराबाद रखा था, ठीक है। और रतन सिंह के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो युद्ध हुआ था वो कब, 1303 ईस्वी में, उसके परिणाम क्या रहे थे, खिलजी है वो विजयी हुआ था, ओके गाइस। 1308 ईस्वी में कानलदेव चौहान खिलजी से परास्त हुआ और जालौर पर खिलजी का अधिकार हो गया, 1326 ईस्वी में राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः है शासन स्थापित हुआ, ओके गाइस। तो और नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जो प्रसिद्ध पशु मेले जो हैं उनके बारे में, कि कौन सा पशु मेला कहाँ है और उसकी तिथि क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो होप आपको पसंद आया होगा। कुछ ये डेट जो है, प्रमुख दिन जो है, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये तो कुछ इंपोर्टेंट थे जिनसे एक डेट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन रहे थे, तो यहाँ कवर किए, एक नया लेसन बनाएंगे हम, उस लेसन में जितनी भी डेट है उन सात को कवर करेंगे, होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप रेटिंग देना ना भूलें, आपका कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कुछ और सुधार होना चाहिए, कुछ अलग तरीके से डिस्कस किए जाने चाहिए क्वेश्चन, तो आप वो भी बता सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो मुख्य लक्ष्य जो है कि वो आप लोगों के एग्जाम में फायदा होना चाहिए, ओके गाइज, थैंक यू।